हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल अकबर 07। तो आज हम बात करेंगे एचडी वीडियो स्क्रीन मिररिंग एप्लीकेशन के बारे में। यानी एप्लीकेशन के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये एप्लीकेशन रियल है कि फेक है, इससे मोबाइल की स्क्रीन दीवार पर शेयर होती है कि नहीं होती है, तो इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो डाउनलोड है वो 50,000 से ज्यादा डाउनलोड है और 1.9 इसका रेटिंग पॉइंट है। यानी रेटिंग पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि ये एप्लीकेशन काम करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि दीवार पर स्क्रीन शेयर होती है कि नहीं होती है। तो चलिए मैं आपको बताया था, यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। तो यानी आपको थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद में देख सकते हो ऊपर के साइड से आपको कंटिन्यू टू ऐप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। करने के बाद में आप देख सकते हो कुछ एडवर्टाइजिंग आती है तो उसको हटा देना है। हटाने के बाद में हमें यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते से यहाँ पे सारी परमिशन के लिए आपको कर देना है अलाउ। तो हमने फटाफट सारी परमिशन को अलाउ कर दिया है और यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग आ रही है उसको क्लोज कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे हमारे को ऑप्शन मिल गए हैं। पहला है एचडी वीडियो मिररिंग, दूसरा है वीडियो प्लेयर, फ्लैश लाइट, व्हाट्सएप डायरेक्ट और गाइड मिररिंग कास्ट। तो एचडी वीडियो मिररिंग पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एडवर्टाइजिंग को फटाफट हटा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं सेलेक्ट योर टीवी वीडियो गैलरी, हाउ टू यूज सेटिंग एंड गेम प्ले। यानी इसमें आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि आप वॉल पर दीवार पर यानी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करो। यहाँ पे सिलेक्ट टीवी का ऑप्शन दे रहा है, यानी आप टीवी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी टीवी पर आप मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा कई जगह तक के ऑप्शन नहीं है कि मोबाइल की स्क्रीन दीवार पर शेयर की जाए। तो चलिए हम बैक के बटन पर क्लिक करके आपको फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। दूसरे ऑप्शन में जाकर देख लेते हैं क्या उसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है। अब हमने कर दिया यहाँ पे वीडियो प्लेयर पर क्लिक। वीडियो प्लेयर पर क्लिक करते से गाइस देख सकते हो यहाँ पे सारी की सारी वीडियो हमारी ओपन हो जा रही है। तो क्या ये वीडियो दीवार की स्क्रीन पर चलेगी कि नहीं चलेगी, चलिए हम सबसे पहले फ्लैश लाइट को ऑन कर लेते हैं और उसके बाद में ये स्क्रीन दीवार पर चला कर देख लेते हैं मोबाइल की स्क्रीन की दीवार पर चलती है कि नहीं चलती है। तो चलिए हमने यहाँ पर इस वीडियो को ओपन कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पे वीडियो चल रही है, लेकिन हमारी मोबाइल की स्क्रीन दीवार पर बिल्कुल भी शेयर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमने बैक के बटन पर क्लिक कर दिया और बैक के बटन पर क्लिक करने के बाद में फिर एक बार बैक के बटन पर क्लिक कर दिया। ये हो गए हमारी दोनों चीज़ें। अब फ्लैश लाइट के ऊपर क्लिक करके हम देख रहे थे कि फ्लैश लाइट से भी चलती है या ब्लिंक स्क्रीन लिखा हुआ है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तरीके से कंटिन्यू टू ऐप में क्लिक करके यहाँ पर एडवर्टाइजिंग को हटा दिया। अब ब्लिंक स्क्रीन की अगर बात करो तो यहाँ पर आपको कोई और ऑप्शन में लेके चले जाता है ये एप्लीकेशन, और यहाँ ब्लिंक स्क्रीन बोलो तो इसी ऑन ऑफ स्क्रीन होती है। यानी अभी तक के ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं आया जो मोबाइल की स्क्रीन दीवार पर शेयर कर सके। तो मैंने आपको इस एप्लीकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप समझा दी कि एप्लीकेशन कैसा है और कैसे काम करता है। यानी ये फेक है कि रियल है, तो आप समझ ही गए होंगे कि रियल है कि फेक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो। दोस्तों वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नए नए हमारे चैनल पर अगर आए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना।